नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। ये प्रोग्राम नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी कवरेज है नोटबंदी पर कि आखिर नोटबंदी के फैसले पर क्या कुछ देश भर में असर पड़ा, सड़क से लेकर संसद तक और मंडी से लेकर बाजारों तक, बैंक से लेकर देहात तक, तमाम जगहों पर नोटबंदी का क्या कुछ असर देखने को मिला, ये आज हम अपने प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। मोदी जी ने फैसला किया ये बिल्कुल गलत है, आम पब्लिक का वो लग रही है ना क्राइम। तीन दिन हो गए कोई पैसा नहीं मिल रहा, बहुत स्लो काम हो रहा है, बैंक वाले काम नहीं कर रहे, पुलिस वाले भी धक्के मारते हैं, एक मैडम के तो हाथ टूट गया। आज भी आकर के लौट के मुझे नहीं लग रहा जा पाऊंगा। पब्लिक की जो थाली थी आगे से वो भी छीन ली, बच्चे से दूध की बोतल छीन ली। क्यों आखिर क्यों? अच्छे दिन आ गए हमारे तो खड़े खड़े। आठ तारीख को पीएम मोदी ने नोटबंदी का फैसला लिया और उसके कुछ दिनों बाद ही हमारी सहयोगी मोना नारंग दिल्ली के बाजारों में पहुंची है जानने के लिए कि आखिर नोटबंदी से बाजारों पर और साथ ही साथ वहां पर खरीदारी करने आए ग्राहकों पर कितना असर पड़ा है। इस बाजार में तमाम तरह की दुकानें मौजूद थी, खाने से लेकर कपड़ों तक और जूतों से लेकर एक्सेसरीज तक। सब दुकानदारों ने किस तरह का रिएक्शन दिया ये कैमरे की नजर में कैद हुआ और अब आप भी देखिए कि बाजारों का नोटबंदी से क्या बुरा हाल हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान किया जिसके बाद से ही बैंक और एटीएम में अफरा तफरी का माहौल मचा हुआ है। आज हम जानने निकले हैं बाजारों का हाल, हम जानना चाहते हैं नोटबंदी से बाजार और व्यापार पर क्या असर पड़ रहा है, यह असर पड़ भी रहा है कि नहीं, चलिए जानते हैं। एक कस्टमर नहीं आता, बोनी भी नहीं होती से पैसे मैडम, खाली हम लड़के लड़के दिखाई देना, कस्टमर तो है ही नहीं पूरी मार्केट के अंदर। पहले बहुत काम होता था, अब बहुत नॉर्मल हो गया है और लोग 1500 के नोट लेके आते हैं, उसमें भी हम चेंज नहीं करते हैं। काम पर तो बहुत फर्क है, खुले हैं आई नहीं रहे, क्या कहाँ से इन लोगों का चेंज दें बताओ। कल हम काम कर रहे थे 4000 पर डे सेल कर रहे थे, आज 500 का भी नहीं हो रहा है, खुलने के चक्कर जो भी आ रहा है 2000 का दे रहा है नोट, 100 का नोट 500 का नोट चल ही नहीं रहे, 500 का 1000 का कोई ले नहीं रहा है। ये सर हमारे काम पे अगर हम पहले 1000 रुपए सेल कर देते तो 500 रुपए सेल कर रहे हैं। नोटबंदी से जहाँ बड़े बड़े बाजारों पर खासा असर नहीं पड़ा लेकिन जो बाजार ग्रामीणों से जुड़े हुए हैं जैसे कि सब्जी मंडी, वहां पर किसानों की सब्जियां बर्बाद हो गई क्योंकि लोगों के पास खुला पैसा ही नहीं था कि वो सब्जियां खरीदने मंडी पहुंचे। दिल्ली की एक सबसे बड़ी मंडी का हमारी टीम ने दौरा किया, जो हकीकत सामने आई वो देखकर शायद आप भी सख्ते में पड़ जाएंगे क्योंकि कहने को दिल्ली की सबसे बड़ी मंडी लेकिन अंदर एक भी ग्राहक मौजूद नहीं। जरा सोचिए उस वक्त किसानों पर क्या गुजरी होगी जो अपना सामान लेकर मंडियों में पहुंचे थे इस उम्मीद के साथ कि जब वापस लौटेंगे तो जेब में 1000-2000 रुपए लेकर लौटेंगे। ये है पूर्वी दिल्ली की गाजीपुर मंडी और गाजीपुर मंडी का हम आपको बता दें कि यहाँ से इस बड़ी मंडी से दिल्ली के पूर्वी इलाके में बड़ी तादाद में सब्जियां सप्लाई होती हैं। इसके अलावा दिल्ली से सटे जो इलाके हैं, नोएडा है, गाजियाबाद है, इंदिरापुरम है, वैशाली है, इन तमाम इलाकों में यहीं से सब्जियां सप्लाई की जाती हैं भारी मात्रा में और अगर कहा जाए तो एक तिहाई दिल्ली या फिर आधा यूपी यहीं की सब्जियां खाता है। लेकिन जब से नोट बंद हुए हैं तब से इस मंडी में ग्राहक नहीं है और आप देख सकते हैं कि जो सब्जी है वो सूख रही है, बोरियों में भरी पड़ी है, सब्जियां आ रही है लेकिन ग्राहकों का भारी टोटा है। सुबह को सौदा खोलते हैं 500 का नोट 1000 का दिखाता, खुले पैसे देता नहीं, हम बैठे देखते रहते हैं हमारी सब्जी नहीं बिक्री, खुले पैसे आना रहे हम परेशान हो रहे हैं, सब्जी 40 रुपए धड़ी 30 रुपए धड़ी गोभी बिक रही है, पहले दिवाली से पहले 100 रुपए धड़ी गोभी बिक रही है, 80 रुपए धड़ी, अब भाव से नहीं बिक रही, किसान भी परेशान है, आड़ती भी परेशान है, मासेखोर भी परेशान है, सौदा बिक के नहीं दे रहा। हमारे पास रात को सारा माल आता है जो कि रात को ही बिक जाता था लेकिन नोटबंदी की वजह से ना तो कोई माल लेने आ रहा है ना हम किसी को दे पा रहे हैं। उन लोगों का एक ही बयान है, अगर आपसे माल ले भी जाते हैं तो आगे पब्लिक नहीं खरीद रही है। 500 और 1000 रुपये का नोट बंद कर दिया गया तो हम लेकर आते हैं और आड़ती भी क्या कहेंगे, यही कहेंगे कि पैसे आगे से नहीं खुला आ रहा है तो इस वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। माल लेकर आते हैं या उधार दो या फिर बाद में जब करेंसी चेंज हो जाएगी जब पैसे लो, ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि बहुत बड़ी परेशानी आ रही है।
दिल्ली के गाजीपुर में सबसे बड़ी फिश मंडी है और कहा यह जाता है कि यह एशिया की सबसे बड़ा फिश मार्केट है, जिसमें दूर दराज के जो कोस्टल एरियाज हैं वहां से मछलियां आती हैं, जिसके बाद यहां से रिटेल में बिकने के लिए मछलियां चली जाती हैं। लेकिन आम तौर पर आपने देखा होगा कि फिश मार्केट में बुरा हाल रहता है। वैसे कहा भी जाता है कि क्या मछली बाजार बना रखा है, क्योंकि फिश मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पूरा शोर शराबा रहता है, क्योंकि ग्राहक होते हैं भारी मात्रा में, बोली लगती है, दिहाड़ी लगाई जाती है, और इसके अलावा बड़ी तादाद में जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो मौजूद रहते हैं। लेकिन जब कोबरा पोस्ट की टीम फिश मार्केट में पहुंची तो ये एशिया की सबसे बड़ी फिश मार्केट पूरी तरह से वीरान पड़ा हुआ था, ग्राहकों का अकाल था और जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो रोने को मजबूर थे। ये हुआ नोटबंदी का असर, आप जरा गौर से देखिए। ये एशिया का सबसे बड़ा फिश मार्केट है, जहां से हरियाणा, पंजाब, यूपी और सारी की दिल्ली में जितनी भी फिश की सप्लाई होती है वो वहीं से यहीं से होती है। और ये गाजीपुर फिश मंडी है, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है। दुकानदार लोग जो है वो भी बिल्कुल खाली बैठे हुए हैं। जो आरती है, जो रोज कई टन यहाँ से फिश सप्लाई करते थे, आज उनके चेहरे पर मायूसी है। एक गाड़ी बिक जाती थी 15 लाख की, लेकिन अब वो बिक नहीं पा रही है, माल खराब हो रहा है। अब 10 रुपए 5 रुपए सस्ता बेचना पड़ रहा है माल। नोटबंदी से काम हमारा 25% रह गया है। जहाँ बाहर से माल आता है, ड्राइवर को किराया 500 को 1000 का मिल रहा है, वो ले नहीं रहे। रास्ते के खर्चे के नहीं पैसे नहीं है, ना चाय के ना पानी के। और यहाँ का जितने भी छोटा कारोबार है सब खत्म हो गया है। लेबर पे खाने के पैसे नहीं है, बाहर उधार ले रहे हैं होटल पे, आधी आधा लेबर जा चुकी है। और जो होटल वालों ने हाथ भी हाथ खड़े कर दिया, उधार नहीं है, उन्हें पीछे से राशन नहीं मिल गया। 1000-1500 का ही नोट मांग दे रहे हैं, जो भी दे रहा है 100 का भी है भी नहीं। और बैंक में लाइन लग रहा है, शाम तक नंबर आ रहा है तो करेंसी खत्म। जो मच्छी 500 रुपये किलो बिक रही है वो 200 रुपये किलो भी नहीं बिक रही, 100 रुपये किलो बिक रही है। सुबह से शाम तक लेके बैठे रहते हैं, घूमते हैं गलियों में, कोई खाना नहीं खिलाता। 100 रुपये होते हैं तो खाना खिलाता है, कहता है यार नोट का चलेगा नहीं, 500 का चलेगा नहीं। बताओ क्या करें, लेबर आदमी है, बच्चों को क्या खिलाएं? अपना 2000 के नोट का क्या करेंगे? 2000 के नोट के कोई खुले नहीं देता, 4000 बैंक में देते हैं, फिर खुले कराने आते तो कोई देता नहीं है, बताइए क्या करें। नोटबंदी को 8 दिन गुजर चुके थे और लगातार कोबरा पोस्ट की टीमें अलग अलग जगहों पर जाकर ये देखने में लगी थी कि कौन से सेक्टर का क्या कुछ हाल है। इसी दौरान हम पहुंचे आनंद विहार बस अड्डे पर, जहां से यूपी के लिए रोज बहुत सारी गाड़ियां, हजारों गाड़ियां अलग अलग इलाकों में जाती हैं। लेकिन यहां बहुत सारे यात्री ऐसे हैं जो नौकरी करने के लिए दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा और फरीदाबाद आते हैं, उनका भी रास्ता यही है। लेकिन ऐसे लोगों के लिए जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि रोज उन्हें खुले पैसे में किराया देना होता है। बसों वालों की गुंडागर्दी देखिए कि उन्होंने 500 और 1000 के नोट समय सीमा से पहले ही लेना बंद कर दिया था। ऐसे में यात्रियों की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि रोज खुले पैसे कहां से लाएं। अब नौकरी करना भी जरूरी था, लेकिन तमाम मुसीबत के बाद हमने क्या देखा कि लोगों का जो जज्बा था वो देखने लायक था, काबिले तारीफ था, क्योंकि हर जुबान से आवाज आ रही थी कि वो पीएम मोदी के समर्थन में है और मोदी के इस फैसले का स्वागत करते हैं। तो आप भी देखिए नोटबंदी के 8 दिन गुजर जाने के बाद किस तरह से लोग एक सुर में बोल रहे थे कि मोदी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो करेंसी बंद का इन लोगों पर क्या कुछ असर पड़ा है ये इन्हीं लोगों से जानते हैं और खुद बस में चढ़ के इस बात का पता लगाते हैं कि नोटबंदी के बाद क्या कुछ फर्क उन लोगों पर पड़ा है जो कि डेली सवारी करते हैं बसों में, जिनके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि उन्हें 100 के नोट चाहिए और छोटी करेंसी चाहिए, क्योंकि 500 के नोट बंद हो चुके हैं, 1000 रुपए के नोट बंद हो चुके हैं। अब समस्या सबसे बड़ी यह है कि आखिर 100 के नोट लाए तो कहां से लाए? 500 के 1000 के नोट हमारे पास वैसे हैं, लेकिन हमें 100 रुपए के तो नोट चाहिए होते डेली यूज के लिए, क्योंकि 1000 के और 500 के कोई भी चेंज नहीं रहा, तो प्रॉब्लम तो थोड़ी हो रही है। लेकिन जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि थोड़ी प्रॉब्लम कुछ दिन चलेगी आपके पास, बाद में ठीक हो जाएगा, तो हम इस चीज़ के लिए, देश के लिए थोड़ा सा इसमें कम्प्रोमाइज कर सकते हैं। पहले तो लाइन में लगना पड़ा था संडे के टाइम, कॉलेज स्टूडेंट हूँ तो इसलिए कैश भी चाहिए होता है, तो बस काफ़ी फेस प्रॉब्लम है। बट मोदी जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, दैट्स इट। जैसे ही ये नोट का रात को मुझे पता लगा, मैं घर से बाहर था तो मुझे बहुत दिक्कत हुई, कुछ नोट मेरे पास थे लेकिन उस समय बस वालों ने कुछ पैसे लिया। बाजार में अभी भी थोड़ी समस्या चल रही है, हमें सामान खरीदते समय, सामान लेने देने में समस्या चल रही है, पूरा सामान नहीं मिल रहा है। लेकिन फिर भी अगर देश की उन्नति से हो सकती है तो फिर भी हम मोदी जी के साथ हैं। नोटबंदी के बाद दिन गुजरते गए और लोगों की भाषाएं बदलती गई।
जो लोग पहले इस फैसले का बहुत समर्थन कर रहे थे, आखिरकार एक विरोध का दौर शुरू हुआ क्योंकि लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी थी। और अब बात करते हैं किसानों की, क्योंकि पीएम मोदी ने कहा था कि किसान नई फसल के लिए 24,000 रुपए एक हफ्ते में निकाल सकते हैं बैंक से। ये जानने के लिए कि क्या वाकई बैंक किसानों को 24,000 रुपए एक हफ्ते में दे रहे हैं, ये जानने के लिए हम दिल्ली से 50 किलोमीटर दूर एक कस्बे में पहुंचे और एक बैंक का हमने दौरा किया। सामने आया कि 24,000 तो बहुत दूर की बात, 2,000 रुपए एक दिन में बैंक से निकालने के लिए किसानों को संघर्ष नहीं बल्कि तपस्या करनी पड़ रही है। बहुत दिलचस्प था, लेकिन रोंगटे खड़े करने वाली हकीकत थी जिस तरह से किसानों ने हमारा कैमरा देखा और कैमरे पे ही वो रो पड़े। ये पंजाब एंड सिंध बैंक है, जिसे कि किसान बैंक भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग किसान हैं और किसानों का एकमात्र ये बैंक है। 6 से 7 गांव के किसान यहाँ आते हैं पैसे निकालने के लिए, लेकिन पैसे निकालना कितनी बड़ी चुनौती है ये आप इन तस्वीरों में देखिए कि बैंक की कतार कितनी लंबी पहुंच चुकी है। 2000 से ज्यादा नहीं दे रहे जी, बच्चों की परेशानी, इसको स्कूल की या कल की पर्ची लिए खड़े हैं जी। बताओ, बच्चों का कराए या घर का खर्चा चलावा कैसे करा है? दूध का बिल, खर्चे का बिल, सब्जी साग सब्जी लगा लो, हरी बीमारी लगा लो, 2000 में क्या हो जी। मैं 6 दिन से लग रहा हूँ, डेली बैंक अंदर जाता हूँ, कह देते हैं कि कैश खत्म हो गया है और मेरी 6 दिन से पढ़ाई छूट रही है। बताइए इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सरकारी मकान है जी, और मेरे मकान के पैसे वे 2000 दे, मैं 6 बजे आऊँ और सांझ को 8 बजे जा रही हूँ जी। मेरे बच्चे भी तेरे मेरे मकानों में पड़े, मेरी भाजट भी फीकी पड़ी है। बताओ मैं क्या करूँ। ये 2000 देकर ललकारे दे दें, जाओ बताओ क्या करा जावे जी। मेरे बच्चे तुझ मुझ की झोंपड़ी में पड़े, मेरी भाजड़ भी निकाल निकाल कर फेंक दी। बताओ मैं किसके दर पर गेरूं, मैं इतनी परेशान हूँ बहुत ज्यादा। बैंक में तो यहाँ आ रही है खाता, तो हमारा वैसा किसान भी तो हूँ, यहाँ है खाता, यहाँ ना निकाल के दे रहे, यहाँ 2000 1000 2000 ऐसे वो भी। हाँ, यहाँ स्टाफ नहीं है, स्टाफ नहीं है और मैनेजर अपने अपने मिलने वालों को दे दे। हमारे देश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, ये सब जानते हैं और आंकड़े भी मौजूद हैं जो बताते हैं कि किसान उगाता है, इसके बाद देश का पेट भरता है। लेकिन किसानों के खेत पैसे की तंगी से सूखे हुए थे, ये हमने देखा। और ये देखा हमने फील्ड्स में जाकर, जब हम खेतों में पहुंचे तो किसानों के हाथ मायूसी थी, उनके चेहरे पर मायूसी थी और आंखों में दर्द झलक रहा था, क्योंकि नोटबंदी के बाद अगर सबसे बड़ी मार किसी को पड़ी थी तो वो देश के किसान को पड़ी थी, जिससे बड़े बड़े वायदे किए गए थे कि आप इतना पैसा निकालिए, आप बीज लीजिए, आप अच्छे फर्टिलाइजर लीजिए और आप नई फसल उगाइए। लेकिन धान की फसल कटने के बाद जब बारी आई गेहूं की फसल बोने की, तो हाथ में पैसा ही नहीं था और कैश गायब था और जो खेत थे वो पूरी तरह से सूख चुके थे। जरा ये कवरेज देखिए और तय कीजिए कि नोटबंदी के बाद किसान किस तरह से बेहाल हुआ। पिछले 15 दिन से जब से आदेश पारित हुआ है, आपको क्या कुछ सफर करना? नोट तो बंद जी, कई दिन से हमारे तो ले ही नहीं रहा कोई, ना लिए पेट्रोल पंप वाले ने, ना बीज वाला तो ले ही नहीं रहा, खाद वाला भी 10 दिन पहले डाई लाए, कोल्लू में गंडे घेर कर लाए, उन्होंने लिए ही नहीं खुले, उनका खुले लाओ पैसे, खेत हमारे रे सूखे पड़े हैं, देख लो बोंगे कहाँ से इन्होंने, बालकों की फीस नहीं गई, पेमेंट मोदी दे दिवा नहीं रहा मील का, अब तो खर्चा कहाँ से चला, मैं सूख गए खेत, अब से 15 दिन पहले गेहूँ बोने थे इनमें, अब बताओ उनका मोदी, हम नहीं है मोदी के साथ बिल्कुल भी, अन्ना रहने दे मैं किसानों ने, किसान बहुत परेशान है इस टाइम, बहुत गुस्से में है, और मेरे कल के पेपर में नेताओं दोहरे 2.25 करोड़ रुपए पाए हैं, उन पर से ले ये किसान कहाँ से देंगे, बिल्कुल नहीं है, हम इसके खिलाफ है बिल्कुल। हम तो ऐसा है जी, सहकारी जो मील हैं वो हैं, इनके बैंक हैं, सहकारी वाले पैसा नहीं ले रहे, सोसाइटी पे जाते हैं वहाँ खाद के यूँ का नए पैसे लाओ, नया पैसा हमारे पास है नहीं, तो बिना बीज के बिना उसके बोएंगे, ऐसे पड़े खेत कहाँ से लाओ मैं पैसा। इतनी बड़ी परेशानी किसानों को हो जिसकी कुछ हद नहीं, और इससे बड़ी परेशानी किसानों को क्या हो सका है, खाद नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहा, बच्चों की फीस नहीं जा रही, सर्दी पड़ रही है इनके लिए, हमारे बच्चों के लिए कोई कपड़ा नहीं है, क्या करें हम, ये बताओ आप हमसे, बताओ कैसे कैसे काम चलेगा, नूंगे डंगर भूखे मर रहे, डंगर बीमार हो जाए दवा ही नहीं आती, दूध दूध जाके दे दे वो पैसे नहीं देता, कोल्लू में घंटे घेर के बीज का जुगाड़ करा तो खाद नहीं आ, पानी जो खेत सूख लिया, कोल्लू वाले नुका नुका पुराने ले जाओ। नोटबंदी का असर सड़क से लेकर संसद तक हर तरफ देखने को मिला, जहां लोग बैंकों के बाहर लाइन में खड़े तड़प रहे थे,
सरकार के खिलाफ एक बगावत कर रहे थे और इस फैसले को सरासर इंसान के ऊपर थोपी गई ना इंसाफी बता रहे थे सरकार की। वहीं संसद में भी पूरे दिन क्या गुजरा ये अब आपको दिखाते हैं कि संसद में 18 दिन तक लगातार जो कार्रवाई थी, विंटर सेशन था, उसे चलने नहीं दिया। विपक्ष की तरफ से तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आई, चाहे वो राहुल गांधी हो या फिर वो ममता बनर्जी हो, हर तरफ से विरोध ही विरोध दिखाई दिया। अब जरा कुछ प्रतिक्रियाएं सुनिए आम जनता की और दूसरी तरफ देश के बड़े नेताओं की कि वो उन्होंने नोटबंदी पर क्या कुछ कहा और किस तरह से सरकार को आड़े हाथों लिया। अविश्वास पब्लिक को, आम जनता को क्या सोच रहा है? हम लोग सब लोगों ने क्या सोच रहा है देश को जनता है और देश का जनता क्या चूर है? बिल्कुल बिना प्लानिंग की नरेंद्र मोदी जी ने काम किया है और जो सच्चे ब्लैक मनी के लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, वो तो यहाँ पे लाइन में कोई नहीं दिखाई दे रहा है। आज पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, आजाद भारत का ये सबसे बड़ा घोटाला हमारे देश के अंदर किया जा रहा है। काले धन पर अंकुश लगाने के लिए तो हमारी पार्टी कोई उसके खिलाफ नहीं है, उसका समर्थन करती है, लेकिन आपका जो तरीका है, जो आपने तरीका अख्तियार किया है, मैं समझती हूँ वो ठीक नहीं है। उससे पूरे देश के गरीब, मेहनत कश लोग और मध्यम जो वर्गीय लोग हैं वो सफर कर रहे हैं और सबसे ज्यादा गांव के लोग सफर कर रहे हैं और देहातों के अंदर पॉपुलेशन 90% के करीब है। तो ये थी हमारी नोटबंदी पर सबसे बड़ी कवरेज जो हमने आपको दिखाया। कहां क्या कुछ असर रहा, बाजारों में क्या हाल रहा, तो खेतों में कैसे किसान परेशान रहे, तमाम चीजें हमने आपको दिखाई। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे शेयर करना ना भूलें और अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर दें। इसके अलावा अभी भी कोबरा पोस्ट की मुहिम जारी है, हम लगातार फील्ड्स में जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और हकीकत आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार तमाम अपडेट्स देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट है www.hindi.cobrapost.com। इसके अलावा आप YouTube पर जाकर हमारी तमाम वीडियोस देख सकते हैं। फिलहाल आज की इस कवरेज में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।